ओके सो लेट्स बिगिन माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। माइक्रोस्ट्रिप एंटीना वाज इन्वेंटेड बाय बॉब मनसन इन 1972। एक्चुअली इन 1970s में जो कल्चर था वो डिवाइस को छोटा करने का था, मिनिचराइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर का था। तो जो एग्जिस्टिंग एंटीना थे वो साइज़ में बहुत बड़े थे, तो उनको सिस्टम के साथ लगाना मतलब कि सिस्टम का साइज़ बहुत इंक्रीज़ हो जाने जैसा था। तो बॉब मॉन्सन ने जो एंटीना इन्वेंट किया वो बहुत छोटा था, स्मॉल साइज़ का था, और उसकी भी वर्किंग वैसी ही थी जैसे अदर एंटीनास की थी। तो सवाल ये है कि ऐसे एंटीनास को, माइक्रोस्ट्रिप एंटीनास को किन फ्रीक्वेंसी रेंज पे यूज़ करना चाहिए। तो माइक्रोस्ट्रिप एंटीना को हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी रेंज या ग्रेटर देन 1 GHz फ्रीक्वेंसी रेंज पे यूज़ करना चाहिए। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ कि यदि मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करूँगा तो क्या होगा, वेवलेंथ रिड्यूस होगा। और मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि द डायमेंशन ऑफ द एंटीना इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो यदि आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ किया तो वेवलेंथ क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो डिवाइस का जो साइज़ होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इन हायर फ्रीक्वेंसी द स्ट्रक्चर ऑफ द डिवाइस विल बी स्मॉल। सो इन नेक्स्ट पेज वी विल सी द फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। तो देखिए यहाँ पे फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ द MSA माइक्रोस्ट्रिप एंटीना में क्या क्या चीज़ें हैं, ये देखिए। एक टॉप लेयर है, एक मिडिल लेयर है और एक बॉटम लेयर है। टॉप लेयर इज़ नोन एज पैच, मिडिल लेयर इज़ नोन एज डाइलेक्ट्रिक एंड बॉटम लेयर इज़ नोन एज ग्राउंड प्लेन। तो आप इस ज्योमेट्री में देखिए, इस ज्योमेट्री में देखिए कि जो टॉप और बॉटम लेयर है उसको मैंने येलो कलर से दिखाया है। तो जो टॉप और बॉटम लेयर है इनको बोलते हैं, ये दोनों कैसे हैं, कंडक्टिंग लेयर हैं। इसको क्या बोलते हैं, पैच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड प्लेन बोलते हैं। तो चलिए अपन पहले पैच डिस्कस करते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि माइक्रोस्ट्रिप एंटीना इज़ डिफाइंड बाई इट्स लेंथ एंड विड्थ। तो लेंथ किसका, लेंथ ऑफ द पैच, ये L क्या है, लेंथ ऑफ द पैच है। W क्या है, विड्थ ऑफ द पैच है। अच्छा नीचे आइए ग्राउंड प्लेन पे, ग्राउंड प्लेन पे ये लिखा है LG, दैट इज़ नोन एज लेंथ ऑफ द ग्राउंड प्लेन, एंड WG को क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ द ग्राउंड प्लेन। यहाँ से देखने पे ये पता चलता है कि साइज़ ऑफ ग्राउंड प्लेन इज़ वेरी वेरी लार्जर देन द साइज़ ऑफ पैच। और ऐसा बोलते भी हैं कि किसी भी आइडियल MSA में द साइज़ ऑफ द ग्राउंड प्लेन मस्ट बी इनफाइनाइट। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करते हैं वो हम देखेंगे। अच्छा इसके साथ साथ देखिए कि ये जो डाइलेक्ट्रिक लेयर है इसकी हाइट या थिकनेस कितनी है, H है। और डाइलेक्ट्रिक जो होता है, डाइलेक्ट्रिक इज़ रिलेटेड विथ एप्साइलन, और एप्साइलन को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। और परमिटिविटी का क्या मीनिंग होता है, परमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे चल के देखते हैं क्या है। इस डाइलेक्ट्रिक को कभी कभी लोग सब्सट्रेट भी बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सब्सट्रेट भी बोलते हैं। अच्छा अब इधर मैं आपके हमेशा क्या बोलूँगा कि ये सब्सट्रेट है, ऊपर पैच है और नीचे क्या है, ग्राउंड प्लेन है। यहाँ पे देखिए ये दो टॉप और बॉटम लेयर जो हैं वो कैसे नेचर के हैं, कंडक्टिंग नेचर के हैं, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, इनको कंडक्टिंग वॉल बोलता हूँ, और इनको कभी कभी लोग इलेक्ट्रिक वॉल भी बोलते हैं। अच्छा डाइलेक्ट्रिक का ये फेस देखिए, डाइलेक्ट्रिक का ये फेस और एक पीछे एक फेस होगा और ये एक फेस होगा। ये चारों फेसेस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक वॉल बोलते हैं। इन दोनों को कंडक्टिंग वॉल, इन चारों तरफ को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक वॉल बोलते हैं। और कंडक्टर इज़ एसोसिएटेड विद वन पैरामीटर, दैट इज़ नोन एज सिग्मा। सिग्मा को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। चलिए इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम भी फिट कर लेते हैं। तो देखिए जेड एक्सिस क्या है, पैच के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एक्स और वाई कहाँ पर होंगे, पैच पर होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो कहना इसे कि ये जो पैच का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम आगे चल के भी यूज़ करेंगे।
तो अब सवाल यह है कि इस एल को क्या बोलते हैं और इस डब्ल्यू को क्या बोलते हैं। कभी कभी लोग इसको लेंथ को बोलते हैं नॉन रेडिएटिंग एज और इस डब्ल्यू को क्या बोलते हैं रेडिएटिंग एज बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो अब आप आगे देखिए, सवाल यह है कि क्या जो पैच है उसका साइज़ हमेशा हम उसका जो सेप है, जो आपने देखा अभी कि पिछले एग्जांपल में कि जो पैच का जो सेप है वो क्या हमेशा हम रेक्टेंगल ले सकते हैं। आंसर इज़ नो। पैच का सेप जो है हम कोई भी ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी सेप का ले सकते हैं। अच्छा, पिछले पेज में देखिए कि पिछले पेज में जो माइक्रोस्ट्रिप एंटीना था उसमें पैच और ग्राउंड प्लेन में कोई भी कनेक्शन नहीं था, लेकिन इसमें देखिए, इस एग्जांपल में देखिए, इसमें ये ऊपर टॉप लेयर है पैच, ये नीचे है बॉटम लेयर ग्राउंड प्लेन, दोनों में एक कनेक्शन है। मतलब दोनों कैसे हैं, शॉर्टेड हैं। तो इसलिए इस माइक्रोस्ट्रिप एंटीना का जो नेम होगा वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किटेड माइक्रोस्ट्रिप एंटीना होगा। अच्छा देखिए, इसमें देखिए क्या इसमें पैच और ग्राउंड प्लेन में डायरेक्टली कोई कनेक्शन है, नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, ये किसका एग्जांपल होगा, ओपन सर्किटेड माइक्रोस्ट्रिप एंटीना का। मतलब पिछले पेज में जो एग्जांपल था वो किसका एग्जांपल है, ओपन सर्किटेड माइक्रोस्ट्रिप एंटीना का एग्जांपल है। तो सवाल ये था कि क्या हमेशा पैच हमेशा आर्बिट्रेरी शेप का लेना चाहिए। आंसर इज़ नो। क्यों नहीं लेना चाहिए, उसके पीछे रीज़न ये है कि यदि आप कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का पैच लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम कहाँ पर होगी इसकी एनालिसिस करने में। सो इट इज़ बेटर टू यूज़ सम रेगुलर शेप रादर देन यूजिंग द आर्बिट्रेरी शेप ऑफ द पैच। अच्छा देखिए, यदि मैंने यहाँ पे शेप कैसा ले लिया, रेक्टेंगुलर ले लिया, तो इस माइक्रोस्ट्रिप एंटीना का नाम क्या बोलूँगा, रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। यदि मैंने स्क्वायर ले लिया तो इसको क्या बोलूँगा, स्क्वायर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। यदि सर्कल ले लिया तो सर्कुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, इलिप्टिकल ले लिया तो इलिप्टिकल माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, ट्रेंगुलर ले लिया तो ट्रेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। तो आपको क्या लगा कि कहीं ना कहीं जो इस डिवाइस का नेम है, जो इस एंटीना का नेम है, कहीं ना कहीं इसके पैच के शेप और इसके फिजिकल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। और ऐसा होता भी है, हम माइक्रोस्ट्रिप एंटीना जब फैब्रिकेट करते हैं तो उसका नेम भी कैसे डिसाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी और ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप। तो चलिए देखते हैं और भी इसके बारे में। अब देखिए, जो टॉप लेयर था, टॉप लेयर कैसा था, कंडक्टिंग लेयर, बॉटम लेयर क्या था, जो वो भी था कंडक्टिंग लेयर। टॉप और बॉटम लेयर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक वॉल बोलते हैं, बाकी साइड वॉल्स को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक वॉल बोलते हैं। तो पैच क्या है, कंडक्टिंग लेयर है, इसकी भी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, तो वो थिकनेस क्या है, 0.035 mm। तो सवाल ये है कि क्या हमेशा इतनी ही थिकनेस लेना चाहिए। आंसर इज़ नो। आप थिकनेस बदल भी सकते हैं। उसके लिए मटेरियल क्या यूज़ करना चाहिए, गोल्ड कॉपर यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ यही हाईली कंडक्टिव मटेरियल्स हैं। फिर दूसरा लेयर क्या था, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की हाइट कितनी होती है, एच होती है। उसका जो एच जो है उसकी लेंथ, जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए, 1.6 mm। क्या ज़रूरी है कि 1.6 mm ले, नो। जनरली वी टेक सच काइंड ऑफ थिकनेस। तो उसके लिए मटेरियल कौन सा यूज़ करना चाहिए, आर्टीड्यूराइड, FR4। FR4 का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 4.4 होता है, आर्टीड्यूराइड का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 2.2 होता है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब परमिटिविटी। तो व्हाट डू यू मीन बाय परमिटिविटी, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि परमिटिविटी इज़ नथिंग बट इट्स अ परमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, परमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखिए, यहाँ पे ये माइक्रोस्ट्रिप एंटीना का साइड व्यू है। तो ऊपर पैच है, नीचे क्या है, ग्राउंड प्लेन है। देखिए ये पैच है, ये वाला रीज़न क्या है, पैच है, ये वाला रीज़न क्या है, ग्राउंड प्लेन है। तो अब देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक कंडक्टर से निकलता है और दूसरे पे जाके टर्मिनेट होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर से निकलता है तो एंगल कंडक्टर के साथ एंगल कितना डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। तो यहाँ पे आप बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं,
और ये जो बीच में जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं या डाइलेक्ट्रिक लेयर। इसमें ऑब्जर्व करिए कुछ फील्ड क्या हो रहा है, एयर से प्रोपगेट हो रहा है फिर डाइलेक्ट्रिक पे आ रहा है। कुछ फील्ड एयर से प्रोपगेट हुआ फिर डाइलेक्ट्रिक पे आया, ऐसे फील्ड्स को हम फ्रिंजिंग फील्ड बोलते हैं, आगे चल के बताऊँगा। ये इसका डाइलेक्ट्रिक, ये जो मटेरियल है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 4.4 है। इसका देखिए ये पैच है, ये ग्राउंड प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर से निकला दूसरे पे जाके टर्मिनेट हुआ। आप क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस में ज़्यादा हैं, 4.4 वाले में। क्यों? क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी कितनी है, 4.4 है, मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिशन देगा, इसलिए आपको ज़्यादा लाइंस दिख रही हैं इस मटेरियल के अंदर। लेकिन ये इसके लिए देखिए, इसके लिए एप्सिलॉन आर कितना है, 2.2 है। तो यानी कि ये मटेरियल क्या हो रहा है, लेस परमिशन दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसलिए इसमें आपको लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं। चलिए अब बात करते हैं ग्राउंड प्लेन। ग्राउंड प्लेन की भी कुछ ना कुछ क्या होगी, थिकनेस होगी, वो इतनी होगी। ग्राउंड प्लेन कैसा लेयर है, कंडक्टिंग लेयर है, वो भी कैसे मटेरियल का बना होगा, गोल्ड और कॉपर का। तो सवाल अभी एक चीज़ और है कि क्या हमेशा सबस्ट्रेट यही चूज़ करना चाहिए? आंसर इज़ नो। आप सबस्ट्रेट अपने एप्लीकेशन, अपने जो भी जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे चूज़ करते हैं। ये जनरली जो लोग यूज़ करते हैं वो मैंने बताए हैं। तो क्या देखा कि MSA इज़ नथिंग बट MSA कंसिस्ट ऑफ पैच, डाइलेक्ट्रिक लेयर एंड ग्राउंड प्लेन। टॉप एंड बॉटम लेयर इज़ नोन एज कंडक्टिंग वॉल, रेस्ट ऑफ द वॉल्स आर नोन एज मैग्नेटिक वॉल। दो तरीके के MSA होते हैं, ओपन सर्किटेड MSA, शॉर्ट सर्किटेड MSA। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी का मीनिंग क्या है, परमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दो मटेरियल हैं, एक का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 4.4 है, एक का 2.2 है, कौन ज़्यादा परमिशन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को, 4.4 वाला। एक ऐसा फील्ड जो कि ऐसी फील्ड लाइन जो कि एयर से भी प्रोपोगेट करती हैं फिर डाइलेक्ट्रिक पे जाती हैं, उनको हम कौन सा फील्ड कहते हैं, फ्रिंजिंग फील्ड्स कहते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था, ये बेसिक बातें थी माइक्रोस्ट्रिप एंटीना के लिए। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द रेडिएटिंग एंड नॉन रेडिएटिंग एज ऑफ द MSA। तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।